हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय ऑल लेजेंडरी गेमर्स। और गाइज, आज हमारे चैनल में हो चुके हैं 1 लाख मेंबर्स कंप्लीट। भाई आज मैं इतना खुश हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकता यार। मैं जिन भी नहीं किया था आप लोग इतना जल्दी इतना बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट कर दोगे, तो दिल से शुक्रिया गाइज, सबको थैंक यू सो मच। एंड गाइज, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज फ्रेंडशिप डे है और आज के दिन ही हमारे चैनल में लगभग 1 लाख मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यार, इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो। बहुत ही अच्छा लगा यार, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप लोग इतना जल्दी ये माइलस्टोन को कंप्लीट कर दोगे। सच में यार बहुत ही मज़ा आया आप लोग का लव एंड सपोर्ट देखकर, एंड आई होप आप लोग इसी तरीके से अपने लव एंड सपोर्ट दिखाते रहोगे। और बस यार, मेरी आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, 1 मिलियन कब तक कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ गाइस, कल मैंने आप लोगों को 2 चैनल बैनर दिया था और मैंने आप लोगों को कहा था भाई आप लोग वोट करके बताओ कौन सा चैनल बैनर हमारे MDS गेम स्टेशन के लिए बेस्ट है। तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे वोट्स मिली और लगभग 8736 वोट्स आए हुए फ्रेंड्स, और मुझे इन सारे कमेंट्स को पढ़ने में लगभग लगभग 4 से 5 घंटे लग गया गाइस। तो मैंने सारे कमेंट को पढ़ा और सब मैंने नोट किया कि कौन सा बैनर में सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं, और गाइस रिजल्ट निकल कर आ चुकी है यार। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे इन सारे चीज़ों को देखने में, क्योंकि यार जो वोट्स का डिफरेंस है ना सिर्फ 40 या 50 है गाइस। आप लोग देख सकते हो 8000 से भी ज़्यादा वोट्स आए हुए और वोट्स में सिर्फ 40 या 50 का डिफरेंस है, जो कि पहला बैनर और जो दूसरा बैनर है उन दोनों बैनर में लगभग लगभग सेम वोट्स आए थे और सिर्फ 40 और 50 का ही डिफरेंस था। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा जो बैनर है हमारे मैक्सिमम चैनल मेंबर्स ने पसंद किया है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को 2 बैनर प्रोवाइड किया था, फर्स्ट बैनर सेकेंड बैनर, और मैंने आप लोगों को कहा था भाई अपना एक्सप्रेशन शेयर करो, अगर फर्स्ट वाला बैनर आपको पसंद आया तो लाल दिल दे दो और सेकेंड वाला बैनर पसंद आया तो आप लोग वाओ वाला एक्सप्रेशन दे दो। तो गाइज सबसे ज़्यादा जो वोट आया है फ्रेंड्स वो है सेकेंड वाले बैनर को, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, बड़ा बैनर। तो यार फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो इस बैनर को सबसे ज़्यादा वोट्स मिली है, और आप लोग कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स ये जो बैनर है हमारे MDS गेम स्टेशन के लिए बेस्ट है या फिर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन गाइज हमारे जितने भी चैनल के मेंबर हैं लगभग सभी लोगों ने इस चैनल बैनर को सबसे ज़्यादा वोट दिया है, और इस चैनल बैनर को जिन्होंने क्रिएट किया है फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर नाम देख सकते हो, कैंडी ब्रदर्स। एंड हाँ गाइस, इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम मुझे नहीं बताया इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप जो भी हो आप हमारे इस कॉन्टेस्ट को जीत चुके हो। और गाइस मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मैंने इन्हें मैसेज कर दिया है जीमेल पे, जैसे ही मुझे इनका रिप्लाई आएगा जो भी गिफ्ट मैंने प्रॉमिस किया था वो गिफ्ट मैं इनको भेज दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, जिन लोगों ने हमारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया सभी को दिल से शुक्रिया। और फ्रेंडशिप डे के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हाँ गाइज, आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे के दिन ही यार हमारे चैनल में 1 लाख मेंबर्स ऐड हो गए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। बस मैं यही चाहूँगा आप लोग इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट MDS गेम स्टेशन चैनल में दिखाते रहे, और अपना अगर आप लोग न्यू यूट्यूबर है और अपना जो यूट्यूब वीडियोज़ है वो प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्कॉर्ड जो है वो आपके लिए ओपन है, आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो। और वहाँ पे मैंने एक सेक्शन प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप लोग अपना जो यूट्यूब वीडियोस है वो आराम से शेयर कर सकते हो और भी ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हो। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं आज के कुछ नए अपडेट्स के बारे में। तो आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। जी हाँ गाइज, आज हम लोग बिल्कुल इसी टॉपिक पे बात करने आ रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे OB17 के अपडेट में क्या क्या नई नई चीज़ें आ सकती है। एंड गाइज इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि OB17 से रिलेटेड क्या आप लोग एक सेपरेट से वीडियो चाहते हो। तो लगभग हमारे सभी चैनल के मेंबर्स ने कमेंट करके कहा हाँ भाई बना दो, OB17 में जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसका एक सेपरेट सा वीडियो बना दो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे OB17 में जो भी नए नए अपडेट्स आने वाले हैं उसका मैं आज कम्प्लीटली पूरा आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि कौन से अपडेट्स आ सकते हैं, कौन से अपडेट्स नहीं आ सकते, कौन से अपडेट कन्फर्म है, कौन से अपडेट अभी तक पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं हुए। एंड हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में जो भी मैं आप लोग को अपडेट दूंगा उस अपडेट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान से सुनना। ग्रुप ए में मैंने उन सारे अपडेट्स को रखा जो कि 100% कन्फर्म है ऑफिशियली है, और OB17 के अपडेट में हम लोग को देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन गाइज ग्रुप बी में मैंने उन सारे अपडेट्स को रखा है जो कि 100% कंफर्म नहीं है, 50-50% चांसेस है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया है। अगर हाँ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाएगा, कोई भी न्यू लीक निकलकर सामने आएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को मेंबर बना होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते उन अपडेट्स की जो कि 100% कंफर्म है, मतलब कि अभी हम लोग पहले बात करेंगे ग्रुप ए की, उसके बाद गाइज हम लोग जाएंगे ग्रुप बी में जहां पर जो भी अपडेट्स है वो 100% कंफर्म नहीं है,
लिए 50-50% चांसेस है। तो बात कीजिए कंफर्म्ड अपडेट की, तो सबसे पहला जो हमारा अपडेट निकल कर आता है वो है न्यू कैरेक्टर को लेकर। जी हाँ गाइस, बहुत पहले मैंने आप लोग को लीक दे दिया था कि एक साइबॉर्ग टाइप की करेक्टर आने वाली है गाइना फ्री फायर में, फीमेल करेक्टर आने वाली है। और ये जो लीक है फ्रेंड्स वो 100% कन्फर्म हो चुका है, एक न्यू करेक्टर आने वाली है गाइना फ्री फायर में, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन गाइस साथ में एक मेल करेक्टर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका चक्कर मुझे समझ में नहीं आया यार। हाँ ये तो कंफर्म कर दिया गया है कि एक फीमेल करेक्टर देखने को मिलेंगी गाइना फ्री फायर में, लेकिन यार साथ में ये जो मेल करेक्टर उसका मुझे कुछ चक्कर समय में नहीं आया। पता नहीं यार गाइना वाले हम लोग को घन चक्कर तो नहीं बना रहे ना, हो सकता है फीमेल करेक्टर हम लोग को दिखा रहे हैं और कहीं अचानक से मेल करेक्टर दे दे, ऐसा कहीं गाइना वाले नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे भी गाइना वाले अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ गाइस करेक्टर तो सिर्फ एक ही देखने को मिलेंगी, दो करेक्टर एक साथ नहीं आने वाला। अगर दो करेक्टर एक साथ आया तो गाइना वालों का ही लॉस है, सीधी सी बात है। गाइना वाले इतना मेहनत करके किसी करेक्टर को डिज़ाइन करेंगे तो सिर्फ करेक्टर को डिज़ाइन नहीं करेंगे ना, उसके साथ साथ कुछ स्किल्स भी उसकी देंगे, तो इन सारी चीज़ों में मेहनत लगता है। और अगर गाइना वाले एक साथ ही दो करेक्टर दे दिए तो इसे उनका लॉस है। लॉस क्यों है फ्रेंड्स, बहुत बंदे फीमेल करेक्टर को खरीदेंगे, बहुत बंदे मेल करेक्टर को खरीदेंगे, लेकिन गाइना वाले अगर एक एक करके करेक्टर दे तो मैक्सिमम बंदा दोनों के दोनों करेक्टर को ही खरीदेगा। इसलिए गाइस जहाँ तक मुझे पता है अगर ओबी 17 का अपडेट आया, ओबी 17 के अपडेट में हमें सिर्फ एक ही करेक्टर देखने को मिलेगा जो कि होगा फीमेल करेक्टर। हाँ हो सकता है गाइना वाला का मूड चेंज हो जाए, मेल करेक्टर भी दे दें, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ 100% कन्फर्म हो चुका है फीमेल करेक्टर जो कि एक साइबॉर्ग करेक्टर है वो आने वाली है ओबी 17 के अपडेट के बाद। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। हमारा अगला जो अपडेट निकल का आता गाइज वो एक न्यू मॉड को लेकर। जी हाँ गाइज एक न्यू मॉड भी ऐड होने वाला है गाइना फ्री फायर में। फिलहाल इस मॉड का नाम नहीं बताया गया फ्रेंड्स, और सीधी सी बात है अगर इस मॉड के बारे में हम लोग को पता चल जाता, इस मॉड का नाम पता चल जाता तो उसी से हम लोग अंदाज़ा आराम से लगा सकते थे कि इस मॉड में क्या क्या नई नई चीज़ें होंगी। इसलिए गाइना वालों ने अब तक रिवील नहीं किया इस मॉड का क्या नाम होगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अपने कम्युनिटी टैब में या फिर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दूंगा। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स वो एक न्यू म्यूजिक लेकर। जी हाँ गाइज अभी फिलहाल गाइना फ्री फायर में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया जाएगा यार, चेंज तो नहीं होगा, जो म्यूजिक है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ जो डीजे रिमिक्स अलग से जो ढोलक वगैरह बजते जो भी चीज़ें बजती हैं उसको थोड़ा सा इनहेंस किया जाएगा और म्यूजिक जो है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। वैसे भी हर अपडेट के बाद जो गाइना फ्री फायर में म्यूजिक है वो भी चेंज होते रहता है, तो इस बार भी ओबी 17 के अपडेट के बाद भी जो म्यूजिक है बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी चेंज होगा। हमारा अगला जो अपडेट निकल करता है गाइस वो है गोल्ड रॉयल सेक्शन को लेकर। अभी फिलहाल जो गोल्ड रॉयल सेक्शन में जो भी कॉस्ट्यूम चल रहा है ठीक ठाक कॉस्ट्यूम है, लेकिन अपडेट के बाद गाइस इस कॉस्ट्यूम को भी हटा दिया जाएगा और कुछ नया कॉस्ट्यूम हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अभी लीक निकल कर सामने नहीं आई है कौन सा कॉस्ट्यूम हम लोग को गोल्ड रॉयल सेक्शन में देखने को मिलेगा, 3 या 4 दिन के बाद वो लीक भी हमें मिल जाएगी, उसका वीडियो मैं आप लोग को बना के दे दूंगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स ये कन्फर्म हो चुका है गोल्ड रॉयल सेक्शन भी अपडेट होने वाला है और कुछ नया कोई नया कॉस्ट्यूम ऐड होने वाला। अब वो मेल का कॉस्ट्यूम ऐड होगा या फिर फीमेल का कॉस्ट्यूम ऐड होगा मैं आप लोगों को 2-3 दिन के बाद जैसे ही लीक निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है गाइज वो है इनक्यूबेटर सेक्शन को लेकर। गाइज आप लोगों को पता होगा अभी फिलहाल जो इनक्यूबेटर सेक्शन में चल रहा है वो है कॉस्ट्यूम, और इससे पहले भी एक फेक न्यूज़ निकल कर सामने आई थी जिसमें बताया था इनक्यूबेटर सेक्शन में स्टाइलिश एंड रेट्रो पेंट दिया जाएगा। यार क्या फालतू का न्यूज़ था वो, खैर वो सारी न्यूज़ फेक थी। तो अभी पूरी तरीके से ये नहीं बताया गया अब इनक्यूबेटर सेक्शन में क्या आएगा, कोई नया गन का स्किन आएगा या फिर कुछ कोई नया कॉस्ट्यूम आएगा फिलहाल बताया नहीं गया है। लेकिन हाँ यार इनक्यूबेटर सेक्शन भी नया अपडेट होने वाला है, उसमें कुछ नई चीज़ें आने वाली है, और जहाँ तक मुझे पता है इस बार इनक्यूबेटर सेक्शन में किसी नए गन का स्किन देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी भी लीक 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमें मिल जाएंगी, जैसी मिलेगी इसका भी कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। बस ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि इनक्यूबेटर सेक्शन भी अपडेट होने वाला है। फिलहाल अभी गाइस मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि अभी फिलहाल कंफर्म हो चुके हैं आने वाले हैं, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में कंप्लीट डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया तो वीडियो आधा घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें कंफर्म कर दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें कंफर्म नहीं की गई है, उसके बाद उसके अंदर का जो डिटेल है वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। हमारा अगला जो अपडेट निकल के आता है गाइज वो है कुछ न्यू इमोट्स को लेकर। एंड गाइज इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना के आप लोगों को बता दिया है कि कुछ न्यू इमोट्स भी गाइना फ्री फायर में ऐड होने वाले, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यही दोनों इमोट मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो कन्फर्म कर दिया गया है गाइज इमोट्स भी ऐड होने वाले ओबी 17 अपडेट के बाद, और वैसे भी कोई भी न्यू अपडेट आता है अपडेट के बाद कुछ न्यू इमोट्स भी ऐड होते, तो ये सारे इमोट भी ऐड होने वाली गाइना फ्री फायर में। और भी कुछ न्यू इमोट्स है उसके बारे में हम लोग और भी किसी वीडियो में बात करेंगे। चलिए जानते हैं अब उन सारे अपडेट्स के बारे में जो कि पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कौन कौन सा अपडेट बताया, चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ। न्यू करेक्टर आने वाला है ये कंफर्म है, न्यू मॉड आने वाला है ये कंफर्म है, न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक भी
आने वाला ये कंफर्म है, न्यू गोल रॉयल आने वाला है ये भी कंफर्म है, इनक्यूबेटर सेक्शन में न्यू आइटम देखने को मिलेगा ये भी कंफर्म है, और न्यू इमोट्स भी आएंगे ये भी कंफर्म रहेगा, इस 100% कंफर्म में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी गहीना फ्री फायर में। अब चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे ऐसे अपडेट है जो कि पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कन्फर्म्ड अपडेट के बारे में, चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी अपडेट्स कन्फर्म नहीं हुए। तो पहला जो अपडेट निकल कर आता है गाइस वो है न्यू मैप को लेकर। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है एक न्यू मैप भी ऐड होने वाला है गहीना फ्री फायर में, और यार ये जो मैप है गहीना फ्री फायर में सीजन अगस्त के इलाइट पास के ट्रेलर में भी हम लोग को देखने को मिला था, यार आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कुछ स्पेस लॉन्च बेस टाइप का ये कुछ न्यू मैप है वो ऐड होने वाला है गहीना फ्री फायर में। तो 50-50% चांसेस है गाइस इसके ऐड होने की नहीं ऐड होने की, गहीना वाले इसके बारे में भी फिलहाल सोच रहे हैं अभी दे दे या फिर बाद में दे, तो पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं और भी कुछ न्यू अपडेट्स की। हमारा अगला जो अपडेट निकल आता है गाइस वो है न्यू वेपन को लेकर। तो इससे रिलेटेड भी लीक मैंने आप लोगों को बहुत पहले दे दिया था कि एक न्यू गहीना फ्री फायर में एक न्यू वेपन भी ऐड होने वाला है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ये वो वेपन AA12 नाम है इस वेपन का। एंड गाइस ये जो वेपन है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है गाइस अपने पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखना, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है इस वेपन के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें है क्या नहीं है, बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया गाइस आज के इस वीडियो में, नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर इस वेपन के बारे में आप लोग पूरा जानकारी लेना चाहते हो तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना। चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारे अगले अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है गहीना फ्री फायर की जो ग्राफिक्स है उसको और भी ज़्यादा इनहेंस किया जाएगा। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स गहीना फ्री फायर वाले ऐसा करेंगे, लेकिन हाँ यार अगर ऐसा किए तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है उन यूजर्स को जिनके मोबाइल में 1 GB रैम है 2 GB रैम है, थोड़ा सा लैगिंग इशू उनमें बढ़ जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा जो भी ग्राफिक्स है अभी फिलहाल गहीना फ्री फायर के वो बेस्ट है, इसको ज़्यादा इन्हेंस ना करे तो बेटर होगा, क्योंकि स्पेशली जो गहीना फ्री फायर गेम है वो 1 GB 2 GB 3 GB रैम मोबाइल के लिए ही बेस्ट है। अगर इनके ग्राफिक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया तो हो सकता है जो लैगिंग इशू है वो और भी ज़्यादा देखने को मिले गहीना फ्री फायर में। खैर ये भी जो अपडेट है वो 100% कन्फर्म नहीं है, 50-50% चांसेज है इनका जो ग्राफिक्स है वो इन्हेंस किया जाएगा या फिर नहीं इन्हेंस किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी पूरी तरीके से 100% लीक निकलकर सामने नहीं आई है। तो आप लोग को चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी और न्यू लीक निकलकर सामने आती है तो उसका वीडियो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपने आने वाली अपडेट्स में। तो अगला जो अपडेट निकल कर आता है गाइस वो है सेटिंग्स को लेकर। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है सेटिंग्स में भी कुछ नई इन्हेंसमेंट होंगी और कुछ नए लैंग्वेजेस भी ऐड किए जाएंगे। तो ये भी जो अपडेट है वो 50-50% कंफर्म हुई है, पूरी तरीके से 100% कंफर्म नहीं हुआ है। अगर 100% कुछ भी कंफर्म हुआ तो आने वाली अपडेट में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर से मेरा वही सवाल रहेगा आप लोगों से 1 मिलियन कब तक कंप्लीट कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल के आता है गाइस, मैं चाहता हूँ ये जो अपडेट है वो गहीना फ्री फायर में देखने को मिले, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से गहीना फ्री फायर में किसी न्यू व्हीकल को नहीं देखा है। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो न्यू अपडेट है वो गहीना फ्री फायर में आए और हम लोग भी किसी न्यू व्हीकल को एक्सपीरियंस कर पाए गहीना फ्री फायर में। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा फ्रेंड्स टोटल 2 न्यू व्हीकल ऐड होने वाले हैं गहीना फ्री फायर में। पहला बाइक ऐड होने वाला है, दूसरा एक 4 व्हीलर ऐड होने वाला, RZR करके कुछ नाम है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं नाम इसका पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो ये 2 न्यू व्हीकल ऐड होने वाले गहीना फ्री फायर में। फिलहाल ये भी जो अपडेट है वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, 50-50% चांसेस है, लेकिन हाँ यार ट्रेलर में दिखाया गया था सीजन अगस्त के ट्रेलर में इस बाइक को दिखाया गया था, तो हो सकता है गाइज ये जो बाइक है वो गहीना फ्री फायर में ऐड हो, लेकिन जो 4 व्हीलर है RZR है व्हीकल है उसके बारे में मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ और कंफर्म भी नहीं किया गया है। तो 50-50% चांसेस है इन व्हीकल्स को ऐड होने की गहीना फ्री फायर में और ऐड नहीं होने की। और अगर भी कोई न्यू लीक निकलकर सामने आती है तो मैं उसका भी वीडियो पूरा डिटेल में बना के आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए बात करते हैं और भी कुछ न्यू अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है वो एक न्यू क्लाइमेट को लेकर। एंड गाइस लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है एक न्यू क्लाइमेट भी ऐड होने वाला है गहीना फ्री फायर में। तो सनसेट के टाइम जैसा हमारा क्लाइमेट रहता है ना, मतलब कि शाम के टाइम जैसा हमारा इन्वायरमेंट जैसा हमारा क्लाइमेट रहता है उसी टाइप का कुछ क्लाइमेट ऐड होने वाला है गहीना फ्री फायर में। तो हो सकता है न्यू मॉड के अंदर ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाए, या फिर जो भी पुराना मॉड हमारे गेम के अंदर चल रहा है उसके अंदर ये न्यू क्लाइमेट देखने को मिले। तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, ये भी जो लीक है वो 50-50 कंफर्म है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, पूरी तरीके से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर 100% कंफर्मेशन मिलेगी तो इसका लीक भी मैं अपने आने वाले वीडियो में बना के दे दूंगा। चलिए गाइस बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है गाइस वो है 4 स्किल स्लॉट को लेकर। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा फ्रेंड्स ये भी जो अपडेट है वो 100% कंफर्म नहीं है, 4 स्किल स्लॉट भी गेम के अंदर देखने को मिल सकता है फिर नहीं देखने को मिल सकता है, 50-50% चांसेज है। एंड गाइस बहुत सारे यूट्यूबर ने इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया और मैंने खुद ही बना के आप लोगों को बताया है कि 4 स्किल स्लॉट आ सकते हैं गेम के अंदर।
तो ये अपडेट भी पूरी तरीके से 100% कंफर्म नहीं है। गैना वाले इसके बारे में भी सोच रहे हैं दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, लेकिन हाँ यार जिस तरीके से नंबर ऑफ करेक्टर्स इंक्रीज हुए जा रहे हैं गैना फ्री फायर में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ OB17 में ये जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। हम लोग को 4 स्किल स्लॉट जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है गाइस वो है हमारे एग्जिस्टिंग मैप को लेकर। तो जो भी पर्गेट्री और बर्मुडा मैप है हमारा, तो डी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है मैप में भी कुछ इन्हेंसमेंट होंगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैप चेंज होएगा, मैप में ग्राफिकली कुछ इन्हेंसमेंट होंगी, ये भी लीक निकल कर सामने आई है और ये भी 50-50% चांसेस कन्फर्म है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अपडेट हो सकता है, नहीं भी अपडेट हो सकता है। एंड गाइज रही बात बग्स की, तो हर अपडेट के बाद गैना फ्री फायर में कुछ नए बग्स डाले जाते हैं और कुछ पुराने बग्स को हटाए जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है गाइस जो भी पुराने बग्स होंगे गैना फ्री फायर में OB17 के बाद तो हट जाएंगे, लेकिन जो भी न्यू बग्स आएंगे गाइस OB17 के अपडेट के बाद उसका मज़ा हम लोग जरूर से जरूर लेंगे। आप लोग लोगे या फिर नहीं लोगे गाइस कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हर एक अपडेट के बाद ऐसा होता है यार न्यू बग्स हम लोग को देखने को मिल ही आता है। चाहे मैं बात कर लूँ OB15 के अपडेट की, OB16 के अपडेट की, कोई भी अपडेट की मैं बात कर लूँ गाइज न्यू बग्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 100% कन्फर्म होकर बोल सकता हूँ OB17 के अपडेट के बाद भी कोई न्यू बग्स हम लोग को देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। हो सकता है पुराना बग्स को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन न्यू बग हम लोग को देखने को जरूर से जरूर मिलेगा और हम उस बग्स का एंजॉय भी जरूर से जरूर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आप लोगों को कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। एंड हाँ गाइज एक और लीक निकल कर सामने आई और मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि ब्राज़ीलियन सर्वर में, वियतनाम के सर्वर में, US के सर्वर में और बहुत सारे सर्वर में गैना वालों ने ये कन्फर्म कर दिया है कि हर 15 दिन में मैजिक क्यूब को अपडेट किया जाएगा। तो गाइज एक और लीक निकल कर सामने आ गई है जिसका अकॉर्डिंग बताया जा रहा है मैजिक क्यूब में बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स ऐड होने वाले हैं, मतलब कि टाइम टू टाइम ऐड होंगे, हर 15 दिन में ऐड होगा। और कौन कौन सा न्यू न्यू कॉस्ट्यूम ऐड होने वाला है मैजिक क्यूब में उसके लीक निकल कर आ चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो आप लोग चाहते हो गाइस तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ कोई बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे यार मैजिक क्यूब में इंडियन सर्वर में तो बहुत लेट से अपडेट आता तो हम लोग जान के क्या करेंगे। सही बात है यार लेट से अपडेट तो आता ही है, लेकिन हाँ नई नई चीज़ों को बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप लोग जानना चाहो तो इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा आने वाली अपडेट्स में कौन कौन सा न्यू कॉस्ट्यूम मैजिक क्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वीडियो चाहते हो गाइज तो कमेंट जरूर करना। तो बस यार यही कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे जो कि मुझे आप लोगों को देना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ गाइज जाते जाते अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे और दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया, इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया हमारे इस चैनल पे, इतना जल्दी 1,00,000 मेंबर्स ऐड हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज आप सभी लोगों को दिल से। और फिर से मैं आप लोगों को वही बोलना चाहूँगा 1,000,000 कब तक कंप्लीट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार यही कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे क्योंकि मुझे आप लोगों को देना था। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।